नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन में, जहां दिखाएंगे आपको कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। चैन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश। लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों चैन स्नैचिंग और कुंडल की छिनाती समेत तमाम घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस क्रम में आज सदर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुंडल और चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिनके पास से लूटे गए कुंडल, चोरी की बाइक समेत घटना में प्रयुक्त स्कूटी को सदर कोतवाली पुलिस ने बरामद किया। आपको बताते चले कि इन लुटेरों ने शहर में महिलाओं का निकलना दूभर कर दिया था, लेकिन अब लोगों को राहत की सांस मिली है। सीओ सिटी संदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। दोनों के पास कुंडल घटना में प्रयुक्त स्कूटी और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुछ महिलाओं से कान के कुंडल छीन लिए गए थे। इस संबंध में कोतवाली सदर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और कोतवाली पुलिस द्वारा आज उस पर सफलता मिली और रात में दो युवक गिरफ्तार हुए, जिसमें दीपक रस्तोगी व अमन रस्तोगी, ये यहीं के निवासी हैं। सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान की गई थी और जब गिरफ्तार हुए, जिनसे कि इनके दोनों कुंडल बरामद हुए, जिस स्कूटी से उन्होंने घटना का अंजाम दिया था वो स्कूटी भी बरामद हुई है। साथ साथ पूछताछ में इनसे एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इन सभी बरामदगी के साथ इनको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शीघ्र ही इसमें आगे भी अन्य कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जलाल पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम को 11 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 34 अवैध तरीके से काटने के लिए रखे गए चार पहिया वाहन, 38 अवैध चार पहिया वाहनों के इंजन और लगभग 150 चार पहिया वाहनों के कुल पुर्जे कीमत 9 करोड़ रुपये बरामद की गई है। पुलिस ने शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जौनपुर में पिछले कुछ समय से सूचना आ रही थी कि जलालपुर के पास कुछ एरिया और चौहारे के आसपास कुछ लोग हैं जो अवैध वाहनों को, जो कि अंतर्राज्यीय स्तर पर महाराष्ट्र के, दिल्ली के, बनारस के यहाँ ले आते थे और अवैध रूप से उनको कटान करते थे। ये भी सूचना आई थी कि कुछ अन्य इलीगल वाहन भी थे जिनके द्वारा खरीद कर उसको कटान किया जाता था, जिसकी अनुमति नहीं थी कई स्थानों से। और ये पूरा जो बुरा धंधा चल रहा था, इस पर स्वाट और सर्विलांस की टीम द्वारा रेड की गई है और उस रेड में 34 वाहन बरामद किए गए हैं, जो कि कई स्टेट के अलग अलग हैं। साथ ही 38 वाहनों के इंजन बरामद किए गए हैं, जिनका मिलान किया जा रहा है कि वाहन कहाँ के हैं, उसके स्वामी कौन थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे, और 100 से अधिक वाहनों के कुल पुर्जे बरामद किए गए हैं। इस पूरे अभियान में 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से ना तो कोई रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन था, ना किसी भी तरीके की कोई चीज़ें थी। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मान्य न्यायालय के समक्ष उसको आज जेल भेजा जा रहा है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करा है और आगे इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है और संपूर्ण प्रकरण में एक प्रारंभिक जाँच इसकी सिटी द्वारा की जा रही है कि ये किस प्रकार से ऐसे ये लोग घटना करते थे और ये कब से ये सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ आपराधिक इतिहास है इन लोगों का इससे पहले? इनका जो आपराधिक इतिहास अभी एकत्र किया जा रहा है, अभी तो इनिशियल रेड हुई है, उस रेड में उनके पास से भारी मात्रा में ये सब वाहन बरामद हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 34 तो ऐसे वाहन हैं जो सीधे सीधे खड़े थे बरामद हुए हैं, 38 इंजन बरामद हुए हैं चार पहिया वाहनों के और ये सारे फोर व्हीलर वाहन हैं जितने इनके पास से बरामद हुए हैं, 100 से ज़्यादा के कल पुर्जे बरामद हुए हैं। पूछताछ में इनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया कि कहाँ से वाहन लेते थे, किस प्रकार के वाहन लेते थे, ना ही RTO को किसी प्रकार के इनके पास वाहन काटने की अनुमति पाई गई है। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन में RTO की लोगों को भी शामिल करके जाँच इसको आगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तहसील मोहम्मदी में आए दिन पेड़ के कटने के संबंध में मिल रही शिकायतों को लेकर मोहम्मदी के उपजिलाधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने देर रात गश्त के दौरान अवैध तरह से लकड़ी से भरा एक ट्रक पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि देर रात उपजिलाधिकारी पंकज श्रीवास्तव टीम के साथ गश्त कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि अवैध कटान की हुई लकड़ी को ट्रक के द्वारा ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड के पास से लकड़ी भरा ओवरलोड ट्रला ट्रक पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर मंडी समिति और वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया। वहीं पकड़ी गई लकड़ी
कि किसी तरह से कोई कागज ट्रक के पास चालक नहीं मिल पाया, जिसके बाद जांच कर उचित कार्रवाई की बात की जा रही है। हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। लकड़ी पे कार्रवाई आपने की है, किस संबंध में की है? एक ट्रक अभी यहाँ पे लकड़ी से जो लदी हुई जी, उसको नायब तहसीलदार और मंडी के साथ जांच के समय पकड़ा गया। पुलिस की भी टीम साथ में मौजूद रही। इस गाड़ी पर लकड़ी लदी हुई सामने आप देख भी रहे हैं जी, और इनके पास ना तो कोई मंडी शुल्क ना कोई सिलटाइज का इनके पास पेपर है। पेपर इनके जो ड्राइवर और कंडक्टर साथ में मौजूद थे उनके द्वारा कोई पेपर नहीं। लकड़ी का कटान का रवाना और परमिट इनके पास कोई पेपर नहीं है। काहे की लकड़ी है ये? लकड़ी तो प्रथम दृष्टा देखने पर लिप्टस की लग रही है। हमारे पास वन विभाग के चौकिंग चार साहब भी मौजूद हैं, इसको चौकिंग चार साहब को बुला करके उनके पुलिस में अगर कार्रवाई की। ये कहाँ से आ रही है इसकी जानकारी खुल रही है? अगर ड्राइवर बता रहा बहुत ही कुछ बगल गाँव है वहीं से आ रही है, मोमडी तहसील में मोमडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। झांसी में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि बोला रिश्वत चेक में नहीं कैश में की जाती है, एडीएम तक पैसा पहुंचाने का जिक्र किया गया। झांसी में एक लेखपाल का रिश्वत के संबंध में वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक युवक से काम के बदले रुपए की डिमांड कर रहा है। युवक के चेक लेने के लिए कहा तो आरोपी लेखपाल बोला कि रिश्वत चेक में नहीं कैश में दी जाती है। वीडियो में पैसा एडीएम तक पहुंचाने का जिक्र भी है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। लेखपाल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उसके खिलाफ सिपरी बाजार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जमीन के मामले में मांग रहा था 50% एडवांस। नया गाँव के जितेंद्र राय की जमीन के संबंध में सदर तहसील में आवेदन किया था। काम के बदले में सदर लेखपाल संदीप कुमार गौड़ जितेन से रुपए की डिमांड कर रहा था। जितेन ने 50% एडवांस और 50% काम होने के बाद देने के लिए कहा। जितेन वीडियो बनाकर वायरल कर इसके बाद एसडीएम सदर ने लेखपाल संदीप को सस्पेंड कर दिया। हंगामा टाइम्स न्यूज। कम से कम 50% हमें एडवांस ले। 50% एडवांस लो, ज्यादा है मैं चेक ले लूँ और क्या करो, चेक देते हैं हम। चेक लेने की बात अब अगर चेक तो काका रिश्वत थोड़ी चेक में जाती यार, रिश्वत तो कैश में जाती यार। पैसा नहीं की तो है ना, पैसा बात जो है 50% दे दू क्या तो रहे 50% का अपना टाइम नहीं हम करें करें हम घरे बात करें और बात हिसाब से ऐसी ऐसी बात है। बोले बे हमें एक बात भेज दी कर उनने जो कही कि भाई जैसे तुमसे हाल क्या वो दे वैसे ही तुमसे कह लू जो है तुम आदेश ले आओ पैसा दो। नहीं तो ऐसो ऐसो जैसो आप जैसे मान लो हम अबे गए और हमें ये डीएम साहब आज मिल गए, अब हम तुम्हें चिड़गांव से थोड़ी बुलाएंगे ले आओ पैसा आपको देने। हमें तो पैसा हाथ में बस रखने पर है, हमें कौन देना तू आदमी मिल रहा हूँ, कौन देना तू को ताजा मिल रहा हूँ, आदेश हो रहा हूँ का हो रहा हूँ, तो हमें तो हाल का निपटाने हैं भाई हम।